भागवत में दो तीन जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवभूति संवाद में माता देवभूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं यहां पर, और इन चार प्रकार के भक्तों को हम लोग सुने। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण फिर चार प्रकार के भक्त बताते हैं, उनके भी गुण सुनेंगे। हम में कौन से लक्षण हैं ये खोजिए। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवभूति माता सामने बैठी, माँ चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है, थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारम्भि भिन्नभावम् मयि कुर्यत् स तामसः। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है, दंभ समझते हैं किसको कहते हैं, दिखावा, पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावे कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि चार लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, चार लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं, उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो, महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था, रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़कर ये दर्शन करने के लिए, जैसे ही अंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ, तो रावण बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या, तुम जानते नहीं हम कौन, दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। बस एक बात बोले, सबसे ज्यादा बिना लाइन के दर्शन मैं ही करता हूं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कि भाई बिना लाइन के करें, कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है, या तो मंदिर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिल ही जाते हैं दर्शन हमको। लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे, उस समय मन में आता है कि भाई ये यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो केवल और केवल अपने यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है। मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है, नाथ मुझ पर कृपा भले ही मत करो लेकिन उस पर भी मत करो, आप उस पर क्यों कर रहे हो, मुझ पर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उस पर क्यों कर रहे हो फिर, ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है मैया, वो भक्त तो है बेचारा लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था
तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुई डुई चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वां कु क्वां क्वां कु क्वां क्वां ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो, क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा है। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त, ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं, ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे, क्या बोलेंगे, भूल गए? ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, मंदिर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया कल हमको, मैंने कि जय हो, ले गए सब भीतर। अच्छा, विश्वनाथ दर्शन करने जाता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। 7-8 लोग थे हम, पर हम दो ही रह गए प्रोटोकॉल के पास, बाकी के 5-6 कहीं और चले गए। अब ये हमको ढूंढे, हम इनको ढूंढे, मैंने क्या हो गया, अब हम तो बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए। इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे, उसी समय शंकराचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, वो पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जा करके बोले, अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खोले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया, जल्दी आओ। अब ये बाहर आ, पुलिस वाले कहें आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा। में बोले जी पर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए जैसे दर्शन हो जाए, पर हमें एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की, लाला कछु कृपा कर भैया, देख रहे तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मैंने सही में? बोले हाँ चलो। लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए, हमको जाके वहां बैठा दिया। बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का खूब। मैंने कि जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए, खूब दर्शन किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तामसी भक्त कौन? जो दूसरे की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नष्ट नहीं होता। ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम यह भी एक बार को भूल जाएं, कल मैं जो बात बता रहा था वो तो भूल ही गया। कल ठाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहां कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं। कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। और बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया, महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे, वहां पर भी ये अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना। ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ,
कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता है मैया, वो तामसी भक्त, तामस। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कि विषयान विसंधाय यस्यैश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक् भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है? मां, जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी कोई गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं, आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके वो बन जाए। भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ? ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं, ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया तो जैसे सब माला जपते हैं, नाम जप करते हैं, तो आजकल काउंटर आ गया, वो ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं माला, तब माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, माला साधन है। और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना, मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे, ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुर दास बाबा, 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था, जब मैं दर्शन करने गया ठाकुर दास बाबा के, तो
अचेत अवस्था में पड़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है तो क्या हुआ, एक संग सबके फोन चले हैं? मैंने कि भाई एक संग सबके, इमरजेंसी क्या, भूकंप आ रहा है, साइलेंट कर लीजिए अपने फोन, अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, मैं तो भूल और गया, साधन और साध। वाह भैया तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य, तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया, उनका जब मैं दर्शन करने गया अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था पर उंगली ऐसी चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये उंगली कैसे चल रही है। वो उंगली क्यों चल रही थी, नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा, नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब इन ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें, ये पावा विश्राम, अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुन, आप कुछ भी कर लीजिए पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते हैं? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं, ये सब कब आते हैं हमारे भीतर, जब हम झुकते हैं। और ठाकुर जी के सामने झुकना झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा, क्यों, ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, बेचारे सब पालेंगे, लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे अब उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है, तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पैज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम, तो उसने आकर के सब देखा ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है, पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नहाने के लिए, उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है, बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको उनको ठंडाई पिलाऊंगा आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था, गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी, गुरुजी बड़े प्रसन्न है, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। पड़ोसी आए, बोले महाराज जी कभी मेरे घर भी पधारो, बोले अभी तो हमारा सब बुकिंग है, हम आएंगे, कब आओगे, बोले तुम्हारे आएंगे शिशिर में, ठंडी में आएंगे, ठीक है। सोच लो क्या हुआ होगा, गुरुजी के लिए ठंडे घड़े में जल भर के रखे, गुरुजी आएंगे इसी से स्नान करेंगे, और फिर गुरुजी के लिए बढ़िया उसने ठंडाई बना के रखी है, गुरुजी को जाई पिलाएंगे। गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे स्नान करने के लिए गए, गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जल, अरे गुरुजी नहीं आप उसके यहाँ भी नहाए तो मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे, नहीं उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए मेरे यहाँ नहीं नहाओगे, कैसे नहीं नहाओगे, घड़े उठा के उसने ही नहा दिया। गुरुजी बेचारे कप कप आ गए, बोले लो अब ठंडाई पियो, बोले अरे एक चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम, ठंड लग रही, नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो, नहीं पीनी तो पड़ेगी।
हुआ क्या, गुरु जी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए। संत आए, उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा। एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो, मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो, आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसको पता था कि संत आए, लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधु कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो, वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से, किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो, माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो, तिलक है गले में, कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो, वैष्णव। तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है, ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है, डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को, सेवा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है, वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। मैया आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो, ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर धूल पड़ी है, प्रणाम करो। भक्तन में मति, भक्तन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। हमारे ब्रज में एक भक्त हुआ, जब वो सारे भक्तों से मिलता, सब अपने ठाकुर जी की बात बताते, हमारे लाल जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे, वो चुपचाप बैठा रहता, सब बोलते तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे हैं, तेरी सेवा कैसी चलती है। बोले बस बढ़िया चलती है, मेरे को बताने का मन नहीं है। बोले अरे देख, हम सबके घर पे उत्सव भी होते हैं, तू कभी उत्सव भी नहीं करता, बताया तो कर तेरे ठाकुर जी कैसे हैं। बोले नहीं, मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता। बोले क्यों नहीं कराता? बोले कोई मेरे ठाकुर जी को देख के ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी, इसलिए मैं नहीं कराता। अब तो सबको और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया, जिनको देख के सब यूं बोल जाते हैं ये कैसे ठाकुर जी। एक भक्त पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं मैं तो तेरे लाल जी का दर्शन करूंगा। बोले तुम बोल दोगे ये कैसे ठाकुर जी? बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। चलो लेके गया कुटिया में, तो जैसे कुटिया में लेके गया तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले जे बैठे। मटके को दिखाया, बोले ये रहे। तो ना चाहते हुए उसके मुख से निकल ही गया ये कैसे ठाकुर जी, मटका वारे ठाकुर जी। बोलते इससे कही थी ना मत बोलना ऐसे। बोले अरे भैया यार गलती हो गई, लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी हैं, मटका? बोले मटका नहीं है, हमारे वृंदावन में जितने भी संत आते हैं ना, और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में इकट्ठी करके इसमें भर लेता हूँ,
और उन्हीं संतों की चरण रज को मैं नित्य अपने श्यामा श्याम के रूप में देख करके, बोले इसमें कुछ कण सफेद हैं वो श्री किशोरी जी हैं, कुछ कण श्याम हैं वही श्याम सुंदर हैं, मैं रोज इन्हीं की अर्चना करता हूँ और इसी से रज निकाल के माथे से गले से मुख में लेके और इसी के सामने बैठ के सेवा करता हूँ। ऐसी संत सेवा बंधुओं, वैष्णव संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, ब्रजवासी वृंद, इन सब में अवगुण देखना ये एक प्रकार से हमारी भक्ति का लेश है। हमारी भक्ति उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दिन आप उनमें अवगुण देखो। ठीक है, किसी से हर तरीके के लोग हैं, भाई रावण भी जब आया था सीता जी का हरण करने संत ही बन के आया। तो आजकल कलयुग में बड़ा खतरनाक है, संत वेश में रावण भी घूमते हैं, परंतु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टि पता कर लेगी कौन वास्तविक है कि कौन असाधारण है। सत्संग क्या करता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही विवेक देता है सत्संग कि हमारी दृष्टि पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि ये वास्तविक है। परंतु एक बात और बताएं, सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बन के केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रति भी हीन भाव ना आवे, उसकी भी भेष का सम्मान हो। क्या जानकी जी को नहीं पता था कि रावण है? खूब स्पष्ट उनको, वो जानकी हैं, राम वल्लभा हैं, उनको सब पता है, लेकिन केवल भेष के कारण सीता जी ने हरण करने दिया। रावण की ताकत कर ले ना, केवल भेष सीता जी ने उसका सम्मान किया कि संत भेष में आया है। ऐसी बंधुओं, भेष का, स्वरूप का और वास्तविक संतों का, इन सब का बोध सत्संग ही कराता, वही विवेक है, और यही विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी की कृपा है। संत वैष्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो। तो भगवान कह रहे हैं कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, मेरे वैष्णव संत वृंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं है। आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, संत महात्माओं की बात कर रहे हैं, एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीजी बाबा की सेवा करके जैसे निवृत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे, चार लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे, हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विमुख मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, कौन हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या सेवा करते हो तुम? नहीं हम बस, आप हमको सेवा से दूर मत करो, ऐसा कहकर के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने 4 दिन तक भोजन नहीं किया, सबने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, बोले भगवान आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने बताया, 4 दिन पहले 4 लोग आके रो रहे थे मेरे आगे, हमको सेवा से दूर मत करो। सबने पूछा कौन थे वो? बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्रीजी बाबा की रसोई बनती है ना, तो उसमें चावल धोए जा रहे थे और धोते समय जब चावल का माण अलग किया गया, पानी अलग किया गया, उसमें 4 दाने चावल के भी नाली में चले गए और वे चारों रोते रोते मेरे सामने आए कि हमको सेवा से दूर मत करो, हम भोग लगी वस्तु को ऐसी छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये अन्न के कण भी जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है। वह भी अपने जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन के लिए महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, उसके बाद वहां घर घर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बना के जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर, केला के पत्ते पर चावल भात रख के और भात को ही जगन्नाथ जी का रूप मान के उनके प्रणाम, महाप्रसादे गोविंदे, ये साक्षात गोविंद है। सोचो, यहां पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने वाली सब्जी दाल चावल तक को वैष्णव माना जाता है, ऐसी वैष्णव सेवा रीति है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है?
कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वात दर्पणम् यज्ञेद्यष्ट व्यमति व्यमितावा पृथक् भावस सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वात दर्पणम्। भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है, कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में करते। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे ठाकुर जी ने कराया है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरे से बड़ी, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना, ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान हो के वाणी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में भागवत में लिखा कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया, आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी, वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो। हमारा सुनना सुनाना चलना फिरना हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली, आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले, हाँ प्रिय तो है पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को देख के, मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं। वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली, तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं, निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मनदास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए हैं, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले, चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सुई जग गए, बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं, जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था कुछ भी विपरीत हो जाए फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे, उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस वो जैसे भी हो बस वो मेरे रहें, उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता, ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। अभी भरतपुर के भी यहां वैष्णव बैठे हैं, भरतपुर में कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी,
एक भगवान के भक्त हुए, मदन मोहन जी के ही भक्त थे, काले खां। काले खां के विषय में कथा, इतनी सुंदर कथा काले खां की। एक विजातीय व्यक्ति, लेकिन केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां। और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो, उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा। काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले, नाथ भगवान, मुझे पुत्र की कामना नहीं है। बहुत सुंदर बात है, काले खां का चरित्र बहुत सुंदर। मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिकचिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है, इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। ठाकुर जी, उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। देखो संतान किस भाव से मांगी है, कि नाथ मुझे संतान की कामना नहीं, पर मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो बोलना बंद करे, आपकी मेरी भक्ति में दोष देखना बंद करे। वो रोज कहती है आप खुदा से मांगो, इनसे मत। अरे आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, मैं आपके बगैर किसी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो कभी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए एक संतान दो। ठाकुर जी बंधुओं सब जानते हैं कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता है। वास्तविकता थी काले खां की, और ठाकुर जी ने काले खां को एक संतान प्रदान कर दी। घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई, काले खां नाच रहे थे कि अब पत्नी भगवान से कुछ नहीं बोलेगी। काले खां तो नाच रहे थे बड़े आनंद से। पत्नी बोली, इतना नाच रहे हो, बेटे का मुख देखा? बोले, देख लूंगा, उसमें क्या जाता है। बोले, तो पर नाच क्यों रहे हो? तू नहीं समझेगी, तुमने बेटा तो अभी तक देखा नहीं, फिर भी नाच रहे हो। काले खां तो इसलिए नाच रहे थे ना कि कुछ बोले ना। 8 साल का हो गया बालक। लेकिन बंधुओं, भक्त के जीवन में सब बढ़िया बढ़िया चले, ठाकुर जी को उसमें मजा नहीं आता। नमक मिर्च डालते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ करते जरूर है जिससे न तड़का लगे, छींक आवे। जैसे घर में मिर्च का तड़का लगता है, सब छींकते डोलते हैं घर के लोग, हैं? ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर सब इजी इजी चल रहा है ना भक्त के जीवन में, तो इनको मजे नहीं आते, ये फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें, और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर दर। काले खां के साथ वही हुआ। एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था, 8 साल का इनका बालक हो गया। यमुना जी के तट पर बालक खेल रहा था, और खेलते हुए उस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया। और काले सर्प ने जैसे ही डसा महाराज, बालक दौड़े दौड़े काले खां के घर आ गए। काले खां की पत्नी को आकर के बताया। जैसे ही पत्नी को पता चला, पत्नी दौड़ करके बालक के पास गई, फिर बालक को अचेत अवस्था में देख काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में मदन मोहन जी के राजभोग दर्शन कर रहे थे। राजभोग दर्शन करते हुए पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने आकर के कहा, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस दिया है, उसको अभी किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा, अभी उसका झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उसका विष चढ़ जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा। लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन मोहन जी को देख रहे थे। पीछे से पत्नी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसू निकले, लेकिन आंसू इसी शिकायत में निकले, तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चल रहा है सब। लाल जी, मिल गया चैन आपको, ये क्या कर दिया आपने। उनको ये चिंता नहीं थी कि पुत्र को सर्प डस गया, उनको ये चिंता थी कि अब पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं ठाकुर जी के दर्शन से फिर दूर हो जाऊंगा, और कहीं मेरे पुत्र के यदि प्राण निकल गए तो मेरा मंदिर मेरी पत्नी छुड़वा देगी, वो यहां तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आने देगी। खूब रोए मदन मोहन जी को देख के। पत्नी बुरा भला सुनाने लगी, अरे पूरे दिन इसी के सामने खड़े रहते हो, अरे जल्दी चलो, तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे। काले खां जी दौड़े, अपने पुत्र को जाकर के देखा, अचेत अवस्था में पड़ा था। पत्नी ने कहा था किसी ओझा के पास ले चलो या किसी ओझा को ले आओ, लेकिन काले खां किसी को लेकर के नहीं आए।
किसी वैद्य ने वहीं खड़े हुए उनके पुत्र को देखा और बता दिया, बोले कि इसके तो प्राण निकल गए, अब ये जीवित नहीं है। पत्नी क्रोधित हो गई और अपने बालक को लेकर के मदन मोहन जी के मंदिर गई और ठाकुर जी के सामने रख दिया अपने पुत्र को, और रख करके बोली, तुम बहुत कहते थे ना कि इन्होंने ही दिया है तुम्हारे पुत्र को, इन्होंने दिया है तो यही जीवित कर दें इसको। तब काले खाने कुछ पंक्तियां गाए और उन पंक्तियों को गाते हुए कहा, नाथ, अंतिम पंक्ति उसकी बड़ी सुंदर है, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। हे नाथ, यदि आप केवल हिंदुओं के ठाकुर जी हो तो कोई बात नहीं, पुत्र मर गया सब सहूंगा, आपका दर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने तो लोगों को आपको जगन्नाथ बोलते हुए सुना है, जगतनाथ बोलते हुए सुना है। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। मेरे पुत्र को जीवित इसलिए मत करो कि मेरा पुत्र है, इसलिए कर दो कि कहीं मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो जाए। और ऐसा कहते ही काले खां के सामने अचेत अवस्था में मुख से झाग निकल रहा था पुत्र के, विष लग गया था। जैसे ही ये बात कही, इतने में ही पुत्र उठ करके बैठ गया। वो पुत्र के बैठते ही सब लोग वहां पर जय जयकार करने लगे। पुत्र खड़ा होते ही अपने पिता के पास गया, पिताजी पिताजी, काले खां ने बोला, हाँ कहो। बोले कि वो कहाँ चला गया? बोले कौन? बोले एक बालक आया था, एक बालक मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, मैं उसी की गोद में लेटा हुआ था, बड़ा सुंदर था, उसके कटाक्ष नेत्र थे, बड़ी सुंदर मुस्कान थी, उसमें से बड़ी प्यारी सुगंधी आ रही थी पिताजी, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। वो बालक कहाँ चला गया पिताजी? मुझे तो उसी के साथ खेलना है। काले खा के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा, आओ गोदी में बैठो, दिखाऊं वो बालक कहाँ है। गोदी में बालक को लेकर के द्वार से ही मदन मोहन जी को दिखाया, वो रहे सामने। देखते ही बालक निहाल हो गया, बोले कि हाँ यही आए थे, यही मेरे को गोदी में लेके बैठे थे। बंधुओं, सांसारिक लोगों के लिए यह विषय बड़ा बड़ा कठिन है, परंतु भक्तों के लिए यह विषय सर्वश्रेष्ठ है। क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व मैं हूं, कृष्ण धन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। वो उठते भी इसीलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठकर के कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें श्यामा श्याम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हो हमारे रहे। हो राधारमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। गाव भाव से बंधुओं, हमको आज विश्राम है इस उत्सव का, जितनी याचना करनी आज कर लो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया एक
कट जाएगी उस डगर पे उमरियाए कट जाएगी। एक हमारी ये माता जी नागपुर वाली कल आई, इन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हम नागपुर में जहां से आए वहां पे सब रस में शराब और, पर यहाँ जब आए तो यहाँ पे सबकी इच्छा तो थी लेकिन था नहीं, तो क्या किया, बोले हमने यहाँ सबको फिर गवा गवा के सुना सुना के सबके अंदर एक भाव प्रकट किया। मतलब यही बात है, मुरली की धुन वहां आ रही थी, यहाँ नहीं थी तो हमने यहाँ भी बजवाना शुरू किया। मुरली की धुन क्या है बंधुओं, ये कथा क्रम, ये वैष्णव चर्चा, ये भगवत लीला गुणानुवाद, यही वंशी की धुन है। वास्तव में कलयुग में वंशी धुन क्या है, वैष्णवों की और हमारे ब्रज के या पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट कथा वक्ताओं की कथा, ये वंशी की धुन ही है, ये कथा ही धुन है ठाकुर जी की वंशी की। जिस प्रकार द्वापर में कृष्ण वंशी बजाते तो वो वंशी की ध्वन गोपियों के चित्त के सारे तिमिर दूर कर देती थी, आजकल ये कथा सबके हृदय के तिमिर दूर करती है, तो ये वंशी से कम है क्या? इसलिए हम तो वहीं रहेंगे जहां कथा है। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे। मन की ममता को खींचे चली जा रही, हे नाथ, इस मोह माया की नदिया के या तो हम बिल्कुल बीच में पड़े हों, मतलब पूरे मोही पूरे कामी क्रोधी लोभी सब हैं हमारे भीतर, या फिर भले ही हम इसके किनारे आ गए हों, नाथ हम भवर में रहे या किनारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम प्रेम पीयूष की धार
नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे, हम सदा उन्हीं के बने रहें और वे भी सदा केवल हमारे। बंधुओं, गोपियां यही कहती हैं रास पंचाध्याय में। एक बार जब ठाकुर जी ने उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाए ना, तो गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों की सेवा सदा करनी चाहिए, और माता पिता का घर और ससुराल इनकी निष्ठा, बात बताने लगे पतिव्रता नारियों की, गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। जैसे ही बात पूरी हुई, पूरी होते ही गोपियां सब बोली, अब हम बोलें? भगवान बोले, बोलो। बोले, आप हमको क्या समझते हो, हम कोई व्यवचारिणी है? अपने पतियों को छोड़ के आपके पास कोई व्यवचार के कारण थोड़े आई हैं हम नाथ? हमें आपके स्पर्श की भी अभिलाषा नहीं, आप हमसे मिलो ऐसी भी हमारी आकांक्षा नहीं, आप हमको सदा अपने पास रखो ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं। तो भगवान बोले, फिर क्या चाहती हो? बोले, केवल आप कह दो कि हाँ, जैसे तुम मुझे अपना मानती हो, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। बस ये सुनने के लिए आई हैं हम जीवन भर उसी परिवार के साथ रहेंगी, उन्हीं बच्चों की सेवा करेंगी, उसी पति को ही अपना सर्वस्व मानेंगी, पर हमारा प्रेम केवल इस बात पर स्थिर है, हम केवल ये जानने आई कि आपने हमको स्वीकार किया कि नहीं। नाथ, हमारा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़े ही है, हम बस आपसे ये दो शब्द सुनना चाहती हैं, जैसे हम कहती हैं आप हमारे, ऐसे आप भी कह दो तू भी मेरी, तू भी मेरा। बस आप भक्ति से क्या अपेक्षा रखते हो बंधु? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं? प्रकट होके आपके संग रहें? परेशान हो जाओगे, इतनी सेवा तो तब करनी पड़ रही है जब ठाकुर जी बोलते चलते नहीं है। सोचो, ये चलन लगे, बोलन लगे, आप कथा सुन के घर गए तो देखो पूरा घर उजड़ो पड़ो। कौन बोले, मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए घर में, आज कढ़ैया उल्टी पड़ी है, गैस सिलेंडर उठा के फेंक दिए नीचे। ठाकुर जी तो ऐसे ही उधम मचावे में, अब द्वापर में सिलेंडर वगैरह नहीं थे, नहीं तो गोपी इनके घर में विस्फोट होते। ठाकुर जी बहुत उद्यमी है, ये चलते फिरते बोलते नहीं है तब तो इतनी सेवा करनी पड़ती है। सोचो, ठाकुर जी चलने लगे, बोलने लगे, सब क्रिया करने लग गए। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी हम पे दया करते हैं, इसलिए बोलते नहीं, चलते नहीं। क्यों बेटा? यही दया मान लो कि हम बैठे हैं एक जगह स्थिर होके, हम ज्यादा ही हमने चलन फिलन शुरू कर दिया तो परेशान हो जाओगे।